हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभा कुमारी, GWPC सांगानेर से। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग प्रोसीजर। जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो वो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। उसमें है, सबसे पहले आप अपना जो ओरिजिनल पेपर पैटर्न है वो आप बनाएंगे फुल डिटेल के साथ, जिसमें ऑन फोल्ड हमारा कहाँ पर है वो लिखा हो, ग्रेन लाइन क्या है, ग्रेन लाइन हमने लिखी हो उसमें डार्ट के निशान हो, पॉकेट है तो पॉकेट के निशान हो, और कोई डिज़ाइन का अगर कोई डिटेल है तो वो उसमें होना चाहिए। फुल कंप्लीट पेपर पैटर्न उसमें हम बना लेंगे। उसके बाद जब ग्रेडिंग करने हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि उस पेपर पैटर्न के जो डिज़ाइन हमारा है पर्टिकुलर, उसके हमको कितने साइज चाहिए, कितने साइज छोटे चाहिए स्मॉल या कितने बड़े चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज जितना भी साइज हमको चाहिए वो डिसाइड करेंगे। फिर जब आप मेज़रमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रहे कि जो मेज़रमेंट है हमारे वो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होने चाहिए, कोई अबनॉर्मल फिगर्स वाले मेज़रमेंट नहीं होने चाहिए। फिर उनमें जो डिफरेंस है, हमने डिसाइड कर लिया हमको कितने लेने हैं, कितने साइज बनाने हैं, कितना स्मॉल लेना है या कितना इंक्रीज करना है, मीडियम से लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्सल, डबल एक्सल, इस तरह से करके, तो उन दो जो हमारे साइज हैं उनके बीच का हमारा डिफरेंस कितना है वो मेज़र करेंगे। वो करने के बाद में जो हमारा ओरिजिनल पेपर पैटर्न है उस पर कार्डिनल पॉइंट डिसाइड करेंगे। कार्डिनल पॉइंट वो पॉइंट हैं, वो पॉइंट्स हैं जिन पे कि हमारा चेंज आना है, जहाँ पे हम उसको पैटर्न का जो साइज़ है वो घटाएंगे या बढ़ाएंगे दूसरा साइज़ लेने के लिए। उसके बाद में हमारा जो कार्डिनल पॉइंट है उस पे कितना अंतर आएगा, सबसे पहले तो हम कार्डिनल पॉइंट डिसाइड करेंगे हमारे पॉइंट्स कहाँ रहेंगे, उसके बाद में उन पॉइंट्स पे डिफरेंस कितना कितना आएगा, किस जगह पर वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे उस पर शोल्डर है, शोल्डर पे कितना आएगा, चेस्ट वेस्ट पर है तो उस पर हमारा कितना ईज अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा जो चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, या हमारा जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आएगा, स्लीव लेंथ है या स्लीव बॉटम है तो क्या क्या चेंज आना है, ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे। अब जैसे इसमें हमारा सेकंड पॉइंट था, डिटरमाइन हाउ मैनी साइज यू वांट टू ग्रेड, मतलब आपको कितने साइज बनाने हैं वो हम डिसाइड करेंगे। तो ये जब बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप जैसे अपना जो एडल्ट वाले हमारे साइज़ होते हैं उसका हमने कोई ग्रेडेड पैटर्न बनाया है, बनाने हैं, हम उसको स्मॉल कर रहे हैं तो स्मॉल करते करते या डिक्रीज या छोटा करते करते वो साइज़ इतने छोटे नहीं हो जाएं कि वो आपके चिल्ड्रन जो मेज़रमेंट है वहाँ तक पहुँच जाएं, या अगर आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, ग्रेड कर रहे हैं तो उसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे नहीं हो कि हमारे वो एडल्ट वाले में आ जाएं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद है, हमने जब इतना डिसाइड कर लिया तो फिर ये डिसाइड करें कि हमको ग्रेडिंग मेथड, जो ग्रेडिंग हम कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रेडिंग मेथड बताए थे, उनमें एक तो मैनुअल था, एक कंप्यूटर से था। मैनुअल में फिर हम दो तरह से ग्रेडिंग कर सकते हैं, एक हमारा कट एंड स्प्रेड मेथड था, एक हमारा शिफ्टिंग मेथड था। तो आप को ज़्यादा जो सूट करता है, जिसमें आपको लगता है आप आसानी से कर पाएंगे वो मेथड डिसाइड करें, या अगर कंप्यूटर से करना है तो वो कंप्यूटर से अपने आप हो जाएगा। फिर ग्रेडिंग जो आप कर रहे हैं वो ये ध्यान रहे कि जो हमने पैटर्न बनाया उस पर जो भी साइज़ हमारा, जहाँ पर हमने ऑन फोल्ड लिखा है, चाहे वो स्लीव है या हमारा फ्रंट या बैक पार्ट है या स्कर्ट पार्ट है या कोई सा भी पार्ट है, जहाँ ऑन फोल्ड हमने लिखा है तो उस तरफ हमारी ग्रेडिंग कभी भी नहीं होती, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेडिंग होगी। फिर है, जब हम ग्रेड कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने कई सारे साइज डिसाइड किए हैं, तो जब हमको नेक्स्ट साइज बनाना है तो हमारा जैसे मीडियम है तो मीडियम के बाद में लार्ज बनेगा। आप एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल आप एक साथ नहीं ले लें, आप उनको जंप नहीं करें, तो जस्ट जो हमारा हमने साइज डिसाइड किया है उसके बाद का नेक्स्ट साइज जो है सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा साइज हमारा जो बनेगा इंक्रीज में है तो हम इंक्रीज भी इसी तरह से करेंगे, और अगर हमको वो साइज छोटा करना है, डिक्रीज करना है तो उसमें भी पहले एक साइज छोटा होगा, उसके बाद वापस आप दो या तीन साइज एक साथ छोटा नहीं करें।
फिर जब हमारा प्रोसीजर हमने डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहले जो हमने ओरिजिनल पेपर पैटर्न है हमारा हमने बना लिया, जब ग्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उस ओरिजिनल पेपर पैटर्न को ही शीट पर पैटर्न को एज इट इज़ वापस हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद में हमने सारा डिसाइड कर लिया कार्डिनल पॉइंट कहाँ कितने थे और उस पे हमको कितना कितना हमको डिसाइड किया था, हमारे मेजरमेंट के हिसाब से कितना आना था हमने वो डिसाइड कर लिया, मार्क कर लिया। उन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद में फिर हमारी जो ड्रॉ शेप है उन लाइंस को पॉइंट्स को मिलाते हुए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइंस, और आर्म होल और नेक लाइन हमारा है इसमें हमने शेप दिया है तो वो शेप हम एज इट इज़ उसको ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट वाला। उसके बाद जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें अगर उसमें डार्ट्स है या अदर डिटेलिंग हमने की हुई है तो जब ग्रेडिंग करेंगे तो ग्रेडिंग करते समय वो चीज़ भी उसमें कवर होनी चाहिए, डार्ट्स की भी ग्रेडिंग होगी और अगर अदर डिटेल कोई है, कोई डिज़ाइन हमारा इस तरह का है तो ग्रेडिंग में उसको भी ध्यान रखें, उनको भी इंक्लूड करें, ऐसा नहीं हो वो चीज़ हमारी रह जाए तो हमारा जो पैटर्न होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि हमारा जो ग्रेडिंग जो हम कर रहे हैं तो सारे पार्ट्स की, फ्रंट है, बैक है, या कॉलर है, या स्लीव है, योक है, जितने भी पार्ट हैं उस पैटर्न के वो ग्रेडिंग भी हमारी सारी होगी। ऐसे नहीं होगी कि हमने कुछ पार्ट की ग्रेडिंग कर ली है और कुछ पार्ट अगर हमारे रह जाते हैं तो इससे हमारे वो जो साइज़ बनेगा वो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल द डिज़ायर साइज, हमने जितना भी साइज़ हमने सोचा था, जितने साइज़ वो डिज़ायर जब जितने हमने बनाने थे वो करने के बाद में जो डिफरेंस था ग्रेडिंग का, हमने सारे बना लिए हमने एक साथ ट्रेस करने के बाद स्मॉल या लार्ज जो भी थे, उसके बाद में उन सबके बीच का जो वेरिएशन है या जितना हमारा डिफरेंस आना है हम एक बार उसको वापस से चेक कर लेंगे कि उन सारे जो हमारे ग्रेडेड पैटर्न है, क्योंकि जितना हमारा लार्ज साइज में मतलब इंक्रीज में बढ़ेगा उतना ही डिक्रीज में हमारा उतना ही अमाउंट कम भी होना है, तो वो दोनों जो साइज हैं हमारे दो चार जितने भी आपने बनाए हैं उन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद में है कि हमने जो कार्डिनल पॉइंट जो बनाए थे और जितना हमको साइज चाहिए था उसके हिसाब से वो सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम उस पे कार्डिनल पॉइंट पे हम सारे पॉइंट लेके उसको मिला देंगे। और जब हमने ये सारा कर लिया तो उसके बाद में हमारे सारे ग्रेड पेपर पैटर्न अलग अलग हो गए हैं तो उन पर जो जिस साइज का पेपर पैटर्न है ग्रेडेड पेपर पैटर्न बन गया वो हम उस पर लिख लेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि इतने सारे पेपर पैटर्न बन जाएंगे हमारे पास ग्रेडिंग वाले तो हमको पता नहीं लगेगा कौन सा पेपर पैटर्न किस साइज़ का है। तो जब हमने पूरा ये बना लिया कार्डिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग सारा एक्चुअल बना लिए सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के और हमने उनको कट कर लिया तो उसके बाद में हर ग्रेडेड पेपर पैटर्न पे उसका साइज़ जिस भी साइज़ का है वो 32 34 36 या स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सएल इस तरह का जो भी है वो हम जो साइज़ है उन पेपर पैटर्न पे ग्रेडेड पेपर पैटर्न पे लिख लेंगे ताकि फिर जब हम काम में लें उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो जब हम ग्रेडिंग करते हैं उस वक्त अपनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। थैंक यू।